अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता सारी बुद्धि के विवेक के प्रबल थे। उनको मालूम था कि किसी व्यक्ति की परख करना है तो रात के समय उसके घर में जाओ, तब मालूम पड़ेगा कितना खा पी के पड़ा। दिन में तो हर एक व्यक्ति तेल में लगा के कंगा पाटी पाड़ के सुंदर कपड़े मपड़े झाड़ के खूब अच्छे से रहे, दिन में कौन पहचान से कर सके। वो तो अगर किसी को पहचानना है तो वो रात्रि के मालूम पड़े कि ये नाली में पड़ा कि गटर में पड़ा कि घर में पड़ा, तो रात पड़े। हनुमान जी महाराज चतुर थे, दिन में नहीं गए, रात रात पहुंचे। लंकनी नामक की एक राक्षसी पहरा दे रही थी, भगवान छोटा सा रूप धर कर जा रहे थे, छोटा सा पहचान गई। भगवान हनुमान जी से युद्ध करने लगी, भगवान ने मूठिका का प्रहार करा, लंकनी के मुख से रक्त बहा, उसने कह दिया अब ये लंका का अंत निश्चित हो गया, लंका का अंत निश्चित है। हनुमान जी महाराज लंकनी को पछाड़ कर राम जी का नाम स्मरण कर लंका में प्रवेश करने लगे कि प्रवस नगर की जय सब काजा, 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 हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने प्रवेश करा, अंदर जाकर देखा जाऊं कहां, चारों तरफ लंका में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सारे भवन को देखा, सारे कमरों को, कक्षों को, भवनों को, मंदिरों को, भवन आदि जितने भी थे सबको देखा। तब एक भवन नजर आया जिसमें तुलसी का पौधा बाहर लगा था, उसको देखकर अंदर प्रवेश कर गए। ध्यान रखो, आपके दरवाजे पर अगर तुलसी का दल है, आपको कहां था? तीसरे दिन की कथा में कहा था कि तुलसी का दल अगर आपके घर पर है तो सारे रोग धोग तकलीफ कष्ट को तुलसी का पौधा अपने ऊपर झेल लेता है और परिचय करवा देता है कि ये धर्म ध्वज का घर है। धर्म तुलसी के पौधे से पहचान पहुंच गए। अंदर जाते ही एक सुंदर भवन देखकर जब प्रवेश किया, विभीषण से मिलना हुआ, राम राम कहकर विभीषण जब जागा, हनुमान जी महाराज को लगा ये राम भक्त है, पूछ लिया सारी कथा जानी, सीता कहाँ है बताया, अशोक वाटिका में है, तुम चले जाओ। हनुमान जी महाराज पहुंचे, माँ को देखा, लंकाधिपति रावण डराने के लिए आया था, हनुमान जी वृक्ष के ऊपर विराजमान थे, डरा कर गया। हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका फेंकी, सीता जी को लगा ये भी कोई माया होगी जान कर श्रापित ना कर दे। हनुमान जी महाराज उनसे मिलने के लिए नीचे आए, सारी कथा कही, हनुमान जी महाराज की कथा सुनकर सीता जी को भाव उत्पन्न हुआ। अंत में हनुमान जी ने कहा मां जाऊं तो शरीर पर भूख लगी है, आया हूं तो थोड़ा सा भोजन कर लूं। सीता जी ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, तू खाएगा क्या? हनुमान जी बोले तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, बस आज्ञा कर दो, बाकी के खाने का तो हम ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत करो, बस आज्ञा कर दो, बाकी का तो तुम चिंता मत करो, फिर तो हम सब दे देंगे। तुम काहे को जाओ करो भोजन। हनुमान जी गए वृक्ष पर चढ़ चढ़ कर भोजन करने लगे, जितने दूत थे पहरेदार थे हनुमान को भगाने लगे। अब हनुमान को भगाए, जैसे ही भगाने लगे क्रोध आ गया, वृक्ष को हिलाया गिराया, जाकर लंकाधिपति को सूचना मिली, और जैसी सूचना मिली, सूचना मिलते ही लंकेश ने अक्षय कुमार को भेज दिया। हनुमान जी ने उसके भी प्राणों को जब हरा, और हरने के बाद में समय आया तब मेघनाथ आया, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, हनुमान जी बंधन में पड़े, लंका के राजा की सभा में जाकर विराजमान हो गए। सभा में
कुर्सी पर लंकेश बैठा है सिंहासन पर, हनुमान जी नीचे। कितना सुंदर संवाद है महाराज। राम कथा कहती है आप कितनी भी बड़े पद और प्रतिष्ठा पर बैठे रहो, कितनी बड़े पद और प्रतिष्ठा पर बैठे, पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त वत्सल्य अगर कोई जीव आए तो आपको अपनी कुर्सी का त्याग कर उसका आदर करना चाहिए। आदर महाराज, रुक्मणी जी ने पत्र लिखा था, आपने भागवत जी में सुना होगा, और ब्राह्मण लेकर गया था, तो ब्राह्मण जिस पत्र को लेकर गया था भगवान कृष्ण को ले आकर पत्र दिया, तो ब्राह्मण के पत्र को भगवान कृष्ण ने पढ़ा नहीं, वापिस ब्राह्मण को दे दिया, इस पत्र को तुम पढ़ो, इस पत्र को तुम पढ़ो। ब्राह्मण ने पूछा क्यों, भगवान कृष्ण ने दाऊ जी से कहा, दाऊ भैया ये ब्राह्मण जब आया तो मैं सिंहासन पर बैठा था और ब्राह्मण का पद गिर गया, मेरा पद ऊंचा हो गया, ब्राह्मण आए तो मेरे को खड़े होकर आदर करना था पर नहीं कर पाया, इसलिए मैं ब्राह्मण से पत्र पढ़वा रहा हूँ, क्योंकि मेरी गादी से बड़ी ब्राह्मण की गादी होना चाहिए, पत्र पड़ेगा तो वो व्यास गादी कहलाएगी, और व्यास गादी सारी गादियों के आगे छोटी, व्यास गादी सबसे ऊंची, सब गादियां छोटी, पीएम सीएम कलेक्टर ये सब नीचे, व्यास गादी के आगे सब सबसे ऊंची गादी, तुम पढ़ो। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। आज रावण इतना विद्वान होने के बाद में, रावण सारी बुद्धि और विवेक का धनी होने के बाद में भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण के ज्ञात नहीं था कि गादी किसकी बड़ी है। संत सामने खड़ा है, हनुमान सामने खड़ा है, राम नाम मुंह में है, मुख में है और सम्मुख में खड़ा हुआ, और उस भगत को, उस संत को आदर देने की जगह नीचे खड़ा कर कर हनुमान जी भी काय को डरे। हनुमान जी ने पूछ की कुर्सी बनाई और कुर्सी बनाकर उस पर बैठ गए, रावण के सिंहासन से ऊंची। बोल लंका अधिपति, बोल लंका अधिपति तो देखकर चक्कर खा के नीचे गिर गया, इसकी कुर्सी तो और ऊंची हो गई, दूसरे की प्रतिष्ठा देखकर लोगों की जान जलने लगती है, ये ताग कैसे बढ़ गया, इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंच गया, इतना ऊंचा कैसे बैठ गया, बस लोगों की जान जलना चालू हो जाती है, ये सुखी कैसे है। हनुमान की कुर्सी ऊंची देखकर रावण को आधी जल तो यूं ही जल गई, बापड़ा गया, अधमरा तो यूं ही हो गया, अब करे तो करे, करे क्या करा जाए। एक काम करो, रावण की सोच देखिए, बुद्धि देखिए, मृत्यु दंड दिया जाए इसको। विभीषण वहीं बैठे थे, समझाया नहीं, सूचक सूचना देने हैं, एक काम करो इसको छोड़ दो, नहीं कपी की ममता पूंछ में, आग लगा दो पूंछ में, पूरे लंका के कपड़े लाकर, पूरी लंका के कपड़े, यहां तक कहते हैं लंका वालों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए आज भी लुंगी लपेट रहे हैं, आज कपड़े ही नहीं, तुम्हारा पूरे वस्त्रों को लाकर लगाया, पूरे नगर का तेल घी जितना था सब डाल दिया, आग लगा दी और आग लगाई। अच्छा ये हनुमान जी महाराज से बड़ा विचित्र प्रसंग है, एक बार हनुमान जी अयोध्या में आए तो अयोध्या के कपड़ा व्यापारी किराना वाले सब पूछते थे हनुमान जी से, हनुमान इधर आ, तूने आग कैसे लगाई लंका में, हनुमान जी बोले हमने तेल डाला, कपड़ा बांधा, आग लगाई, बस और क्या करा, तो क्या लगाई कैसे, हनुमान जी ने कहा तुम बांधो, डालो तेल, लगाओ आग, मैं भी जला के बताता हूँ लंका कैसे जला। सबने कपड़ा बांधा, तेल डाली, आग लगाई, हनुमान जी सबके कपड़े की दुकान में, किराने की दुकान में घुस गए, सबको जलाया, सब कपड़ा वाला किराना वाला सब राम जी के पास गए, महाराज महाराज त्राई माम शरणागत, भगवान ने पूछा क्या हो गया, हनुमान जी ने हमारी दुकान में आग लगा दी, हनुमान जी, हनुमान को बुलाया, क्यों रे तूने इनकी दुकान में आग क्यों लगाई, तो कि ये रोज बोलते थे तूने आग कैसे लगाई, लंका कैसे जलाई, लंका कैसे जलाई, मैंने कहा आग लगाओ जला के बताओ, तो इनकी दुकान क्या लंका जैसी थी, तो कि महाराज लंका से कम भी नहीं थी, एक रुपए की चीज चार रुपए में बेचते तो लंका से कम थी, लगा दिया आग। समय आया, जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम महाराज।
चारों तरफ सुख समाहित था, समुद्र मानने को तैयार नहीं था। क्रोध आया, सुखाने की बारी आई, समुद्र चरणों में पड़ गया। आपके पास में नल नीले हैं, राम नाम लिखे पत्थर तेरा है, सेतु बंद कर तैयार हुआ महाराज। उसी पर राम जी की सेना चलने को तैयार हुई है महाराज। उसी कितनी सुंदर सेतु बंधा, कितना चारों तरफ उमंग आनंद भरकर राम जी की सेना चली। आप में से कितने लोग हैं जो रावण के सहित हैं, रावण के पक्ष में? अरे बोलो तो। अब आप में से कितने लोग हैं जो राम के पक्ष में? हाथ उठाओ जरा, जो राम के पक्ष में। सभी लोग हो? ठीक है। और मालूम पड़े तुम्हें के आए कि तुम राम के पक्ष में हो, जाओ अपना अपना घर छोड़ के पहुंचो लड़ाई करने के लिए। कहना सरल है, करना कठिन है। मैसेज में लिख देना सरल है, उखाड़ के फेंक दो वो विरोधी देश को। कई लोग कह देते हैं सेना को बंदूक थमा दो, ये कर दो, नहीं तो हमें भेज दो। कहना सरल है, लिखना मैसेज में सरल है, दादागिरी दिखाना सरल है। एक बार ले जाके खड़ा कर देने तो बापड़ा दौड़ के वापस ही जाए। अधर्म पर धर्म की विजय है। रावण का युद्ध कोई साधारण नहीं था। अंगद को भेजा, समझाया, अंगद गया पांव जमाया रावण चरण में, पांव को डिगाने के लिए चला। संत के चरण डिगाना कोई सहज बात नहीं थी। मुकुट फेंका, राम के चरणों में गया, नहीं माना, युद्ध की तैयारी हो। मेघनाथ ने शक्ति मारी, मूर्छित होकर संजीवनी कौन लाया? जम के बोलो हैं? हनुमान जी। पक्के में हनुमान जी लाए थे? अरे बोलो तो सही, तुम लोगों ने कथा सुन रखी है इसलिए पूछ रहा हूं मैं तो, कि पक्के में हनुमान जी लाए थे? अगर हनुमान जी संजीवनी लाए थे, मान लो हनुमान संजीवनी लाए थे, तो जब भरत जी ने बाण छोड़ा था, हनुमान के पांव में लगा था, हनुमान अयोध्या में गिर गए थे, तो संजीवनी का पर्वत तो हवा में टंगा था। तुम कोई डब्बा लेकर जा रहे हो, सामान लेकर जा रहे हो, तुम गिरोगे तो सामान गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अरे बोलो तो गिरेगा ना। पर हनुमान गिरे तो पर्वत क्यों नहीं गिरा? संजीवनी का नीचे गिर जाता है अयोध्या में, पर पर्वत नहीं गिरा। कारण केवल इतना सा था, हनुमान जी सोच रहे थे अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएगा, लक्ष्मण को जिंदा मैं कर सकता हूं। हनुमान जी को जब अहंकार आने लगा, भगवान को लग गया मेरा भगत होकर अभिमान कर रहा, इसका अहंकार यही तोड़ना। हनुमान जी ने, राम जी ने इशारा करा भरत को, भरत ने बाण छोड़ा, बाण छोड़ते हनुमान नीचे गिरे। हनुमान जैसे ही नीचे गिरे, पर्वत ऊपर टंगा हुआ था, हनुमान को लग गया पर्वत ले जाने वाला मैं नहीं, संजीवनी ले जाने वाला मैं नहीं, मैं तो केवल निमित्त मात्र था, पर्वत ले जाने वाला तो मेरा राम था, मैं तो केवल एक निमित्त, पर्वत राम। और हनुमान जी जब नीचे गिरे थे तो उर्मिला जी उनसे मिलने के लिए आई थी, तो हनुमान जी ने कहा था, उर्मिला जी आपका पति अंतिम सांसें गिन रहा है, आपका पति अंतिम श्वास गिन रहा है, पड़ा हुआ है मृत्यु की सैया पर, अगर मैं नहीं पहुंचा तो मर जाएगा। उर्मिला जी बोली, क्या हुआ? तो के जमीन पर पड़े हैं अंतिम सांसें गिन रहे, तुम्हारे पति को बाण लगा। उर्मिला जी हंसने लगी, मेरे पति को बाण लगाया? किसको लगा था बाण? अरे बोलो तो, उर्मिला के पति लक्ष्मण को बाण लगा, ये दुनिया जानती है, पर रामायण कहती है उर्मिला कह रही मेरे पति को बाण लगा।
और मिला हंस रही है। नहीं, मेरे पति को मान नहीं लगा, फालतू की बात। अच्छा ये बता, तो हनुमान जी बोले बाण तो लक्ष्मण जी को लगा, वही तो मूर्छा में पड़े। तो उर्मिला जी बोली ये बता, कांटा तेरे पांव में चुभेगा तो दर्द किसको होगा? हनुमान जी बोले कांटा मुझे चुभेगा तो दर्द भी मुझे होगा। तो अब ये बता, बाण किसको लगा? लक्ष्मण को। रो कौन रहे हैं? जम के बोलिए राम। तो उर्मिला जी कहती है मेरे पति को बाण नहीं लगा, उसके तो एक एक रोम रोम में राम था, जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए रो भी राम रहे हैं। तो हनुमान जी बोले फिर वो मूर्छा में क्यों पड़े? उर्मिला जी बोली मेरा पति यहां से गया था तो उसने कहा था 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं। राम जी दयालु हैं, कृपालु हैं, उनको लगा 14 साल नहीं सोएगा तो घर जाके बीमार पड़ जाएगा, इसलिए युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ाने से पहले मेरे राम जी ने उसको विश्राम दे दिया कि थोड़ी देर सो ले, अगर अच्छे से नींद पूरी नहीं होती तो दुकान अच्छे से नहीं चला सकते, इसलिए नींद पूरी होना जरूरी है। राम जी ने उसको सुना था। राम हनुमान जी जान गए ये मेरा अभिमान था कि मैं लेकर जा रहा हूं। हनुमान जी ने अहंकार को तोड़ा, लेकर संजीवनी गए, सुषेण वेद को दी, वेद ने औषधि दी, लक्ष्मण जी भी फिर युद्ध हुआ, नागपाश में बंधे, मुक्ति। मेघनाथ मरा, कुंभकर्ण मरा, अंत में लंकाधिपति राम आया। अंत में लंकाधिपति रावण आया और सेना टूट पड़ी है, युद्ध भयंकर चालू हुआ। चले कि पापियों के नाश को, राम जी की सेना से जो इस युद्ध में ताली बजाता हुआ दिख जाए वो समझ लेना राम के पक्ष वाला, जो ताली नहीं बजे बजाए समझ लेना रावण का रिश्तेदार। दोनों हाथ देखते लेना सबके, पापियों के नाश को, धर्म के विकास को, और राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ धर्म के प्रचार में एक नई रावण सिंहासन पर चढ़कर रथ चढ़कर भागा। देखा देवता घबराने लगे, ये तो उड़कर भाग रहा है, राम जी के पास में रथ नहीं, राम जी के पास में रथ नहीं है। जानकर तुरंत देवता रथ लेकर आए हैं, रथ प्रदान किया महाराज, और जैसे ही रथ दिया राम जी उस रथ पर आरूढ़ होकर चले, राम जी की सेना चली।